जनपद हापुड़ के थाना बाबगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर फ्लाईओवर पर गुरुवार की तड़के करीब 4 बजे दिल्ली नंबर गाड़ी आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। सड़क हादसे के दौरान गाड़ी में सवार 5 में से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 का उपचार चल रहा है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतकों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जाँच जारी है। सड़क हादसे के दौरान दिल्ली निवासी चिराग गुप्ता समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बाबूगढ़ के थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि मामला गुरुवार का है, जब गुरुवार की तड़के करीब 4 बजे दिल्ली नंबर की एक गाड़ी दिल्ली की ओर से मुरादाबाद की ओर जा रही थी। जैसे ही वह रसूलपुर फ्लाईओवर पर पहुंची तो गाड़ी की आगे चले ट्रक से भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे के दौरान चीख पुकार में की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 3 को CST सिखेड़ा और 2 को देवनंदिनी अस्पताल में भर्ती कराया। CST सिखेड़ा में लाए गए 2 घायलों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि देवनंदिनी में घायलों का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि अनुराग, प्रवीण कुमार और नमन सड़क हादसे में घायल हुए हैं, जबकि चिराग गुप्ता निवासी दिल्ली समेत 2 लोगों की मृत्यु हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।